भारत में करीब 2 अरब 21 करोड़ कोविड वैक्सीन के डोजेज लोगों को लगाए गए हैं और 93% आबादी फुल्ली वैक्सीनेटेड है। यहाँ पर अगर बात करें कोविशील्ड की तो 2 अरब 21 करोड़ डोजेज हैं, उसमें कोविशील्ड की तादाद जो है वो करीब 1 अरब 70 करोड़ डोजेज की है। और इसमें समझना पड़ेगा कि ये चर्चा इसलिए क्योंकि एस्ट्राजेनेका को लेकर सवाल उठ रहा है, तो एस्ट्राजेनेका का नाम यहाँ पर कोविशील्ड है भारत में जो डोजेज लगे कोविड वैक्सीन के। अब यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि क्या वाकई ये नई चीज़ है या इसको लेकर पहले से जानकारी थी भारत के पास या भारतीय के जो लोग एडवाइजरी ग्रुप में थे, टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप में, इम्यूनाइजेशन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप, उनके पास जानकारी थी या नहीं थी। भारत सरकार के पास कोविशील्ड को लेकर इस बात की जानकारी थी कि AEFI यानी आफ्टर इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, यानी इम्यूनाइजेशन के बाद जो तकलीफ अगर बढ़ती है तो तकलीफ बढ़ सकती है, ब्लड क्लॉटिंग को लेकर भी जानकारी थी, लेकिन वो फीसद इतना कम था और इसका प्रभावी क्षमता यानी फायदे इतने बड़े थे कि ये चीज़ें हुई। लेकिन अभी जो फिलहाल आंकड़े हैं आप लोगों की जानकारी के लिए, मैंने भी खुद कोविशील्ड लिया है, बहुत सारे लोगों ने कोविशील्ड लिया है, अगर 1 अरब 70 करोड़ डोजेज की बात हम कर रहे हैं तो बड़ी आबादी है, उनको ये बताना ज़रूरी है कि AEFI को लेकर जानकारी थी। और लेकिन ये बताना भी ज़रूरी है कि कोविन ऐप पे जो इसको बताया गया है परसेंटेज के लिहाज से 0.007% AEFI हो सकता है इन डोजेज के एडमिनिस्टर्ड होने के बाद, ये कोविन ऐप पे बाकायदा जानकारी है। और हमने देखा भी कि जब हम वैक्सीन लेने गए तो आधे घंटे वहाँ पर रुकना पड़ता था और वो देखना पड़ता था कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, फिर बाद में फॉलोअप भी करते थे और कई लोगों ने घर जाकर भी अपनी तकलीफें बताई जो AEFI पोर्टल पे दर्ज हुई। और अभी फिलहाल जो आफ्टर इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन है, यानी कोरोना के वैक्सीन के बाद जो तकलीफ बढ़ी उसको लेकर जो AEFI कमेटी है उसने मई 2022 में आखिरी बार रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें 254 लोगों ने वैक्सीन के बाद अपनी तकलीफ की कहानी बताई और दर्ज करवाई। अब यहाँ पे ये भी समझना है कि एस्ट्राजेनेका को लेकर जो फिलहाल स्थिति है, जो आंकड़े बता रहे हैं, वो करीब करीब 170 देशों में 2.5 बिलियन यानी 2 अरब 50 करोड़ डोजेस से ज़्यादा डोजेस एस्ट्राजेनेका के भेजे गए, एक आंकड़ा ये बता रहा है। और इसमें 2021 में यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने यह कहा था कि इसमें ब्लड क्लॉटिंग जैसी शिकायत है, लेकिन 1 लाख में 1 व्यक्ति को, और उस वक्त 2021 में 222 लोग ब्लड क्लॉटिंग की शिकायत लिए हुए एस्ट्राजेनेका के बाद, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लेने के बाद उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई, वो तादाद 222 की थी ब्लड क्लॉटिंग की परेशानी लिए हुए। लेकिन जरा कोविड का दौर याद कीजिए, जिस वक्त कुछ नहीं था तो वैक्सीन की ज़रूरत थी, वैक्सीन बनी। जानकारी ये कहते हैं कि कोई भी वैक्सीन होती है उसके थोड़े बहुत असर जो है वो लोगों पे दिखते हैं, ये जानकार का कहना है। लेकिन भारत सरकार ने भी अपनी तरफ से मॉनिटरिंग की, AEFI पोर्टल बना, कमेटी बनी और उसको देखा गया कि वैक्सीन प्रभावी कितना है और उसका प्रतिकूल असर कितना है। तो जो प्रतिकूल असर है वो बहुत नगण्य है। अभी भी फिर से बताएं, जिन्होंने कोविशील्ड लिया है उनकी जानकारी में होना चाहिए कि 0.007% ये कोविन ऐप कहता है कि AEFI जैसे मामले वैक्सीनेशन के बाद रिपोर्ट हुए हैं, और तो बहुत नगण्य है, वो बहुत कम है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ असर अगर दिखना होता तो अभी तक दिख गया होता, ये भी जानकार कहते हैं, क्योंकि आधे घंटे की मोहलत तब होती है जब वैक्सीन दिया जाता है, उसके बाद एक लंबा टाइम फ्रेमवर्क बीत चुका है वैक्सीन लिए हुए, तो असर दिखना होता तो दिख जाता। लेकिन एक बहस का दौर जरूर छिड़ गया है इस पे, और ये बताना यहाँ पे ज़रूरी है कि ब्लड क्लॉटिंग जैसी शिकायत भी जो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन है उसके जो चीफ डॉक्टर एन के अरोड़ा रहे, उन्होंने भी NDTV को एक वक्त इंटरव्यू में कहा था कि ब्लड क्लॉटिंग जैसी शिकायत है। लेकिन उस वक्त 2021 के मई में लिए हुए इंटरव्यू में उन्होंने ये जो आंकड़े कहे थे वो 0.0061% कहा था। तो यानी पहले से जानकारी में थी, इसी वजह से AEFI पोर्टल भी बना, उसके लिए कमेटी भी गठित हुई, लेकिन भारत में जो मामले आए उसको लेकर अभी भी एक बड़ी आबादी को अगर बता पाएं तो उसमें ये कह सकते हैं कि जो कोविन ऐप है उस पर सीधे तौर पर कहा गया है कि 0.007% फिलहाल AEFI के मामले हैं जिन्होंने कोरोना के वैक्सीन लिए उसके बाद जो उसका प्रतिकूल असर होता है, यानी फ़ायदा कहीं बड़ा और नुकसान बहुत नगण्य के बराबर, ये सीधे तौर पर
जो अभी भी हमारी बातचीत हुई है कुछ लोगों से स्वास्थ्य मंत्रालय में, उन्होंने कहा और उस वक्त भी यही बात मानी गई थी। तो अब बस एस्ट्राजेनेका ने इस बात को कोर्ट में माना है कि ब्लड क्लॉटिंग जैसी शिकायत है, लेकिन 2021 में भी उसको लेकर यह शिकायत आई थी कि 222 मामले इस तरीके के थे। भारत के अलावा दूसरे देशों में 222 मामले जिसमें ब्लड क्लॉटिंग की शिकायत आई थी। और अब भारत में शुरुआती दौर से ही ये मामले आते रहे हैं, अब जाके क्योंकि ये कोर्ट में एस्ट्राजेनेका की तरफ से ये हलफनामा में दिया गया है कि टीटीएस जिसको थ्रोम्बोसिस कहते हैं, यानी आम बोलचाल की भाषा में ब्लड क्लॉटिंग कहें, तो इसीलिए ये चर्चा का दौर जो है फिर से शुरू हो गया है। मोटे तौर पर ये मान के चलना चाहिए कि कुछ घंटों तक ऑब्जर्वेशन होता है वैक्सीनेशन के बाद, और उसके बाद एक लंबा वक्त बीत गया है। हालांकि किस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय और सरकार इस पर अपनी प्रतिक्रिया देगी वो भी आगे आने वाले वक्त में देखना होगा, लेकिन फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है जानकारों के मुताबिक कि फिलहाल कोई डरने की जरूरत नहीं। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।